जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने आपको इस वीडियो में एक चीज़ क्लियर करनी है कि जो हमने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है दुबई से रिलेटेड कि जॉब वहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती, क्या सिचुएशन है वहाँ की। तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी से आप पहले मेरा जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बता दीजिएगा आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है। तो चलें जी आगाज़ करते हैं वीडियो का। बताती हूँ कि हमने अपने माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है, मतलब एक ख्याली पलाव बनाया हुआ है अपने दिमाग के अंदर कि दुबई जाएंगे, दुबई या तो जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। दो किस्म के लोग होते हैं, मुझे कमेंट करके लोग बता रहे होते हैं कि जी जो आप वीडियोस बना रही हैं आपके लिए कहना आसान है, ठीक है, वहाँ पर जॉब नहीं मिलती है, जॉब की मार्केट ऐसी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आई, मैंने विजिट वीज़ा पे होते हुए जॉब्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है, मैक्सिमम 20 जॉब्स पे मैंने अप्लाई किया और मेरी जॉब नहीं, 20 इंटरव्यूज़ के बाद भी मेरी जॉब नहीं हुई, तो मेरे माइंड में ये पर्सपेक्टिव था दुबई का कि यहाँ पे जॉब नहीं होती या फिर उन लोगों की होती है जो जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है या जिनकी सिफारिश होती है। तो मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, जॉब आपकी तब भी हो जाती है या तो जब आपका एक्सपीरियंस होता है या फिर जब सिफारिश होती है तब आपकी जॉब होती है। लेकिन जो हम अपने माइंड में एक पर्सपेक्टिव तैयार कर लेते हैं किसी चीज़ का या किसी जगह का कि यहाँ पे जॉब नहीं होती, अगर फॉर एग्जांपल मेरी जॉब ना होती तो मेरे माइंड में भी यही ख्याल होता कि यार हाँ वहाँ पे तो जॉब नहीं होती, लोग ऐसे धक्के खा रहे होते हैं, लोगों ने ऐसे बनाया हुआ है कि दुबई ऐसा है तो दुबई वैसा है। बात पता है क्या है, जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके आप धक्के खाते हैं, आपको पता चलता है एक नौकरी भी, एक 2000 की नौकरी भी किन मुश्किलों से मिलती है, तब आपको जाके ये चीज़ समझ आती है कि जो दुबई की बिल्डिंग्स हैं या यूएई में जो लग्जरीज हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलता है। जो इतनी इतनी बिल्डिंगें यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे इतने इतने बिजनेस सेटअप हो रहे हैं, तो यार उनको वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है तो वो बना रहे हैं, अपने बिजनेस को लोग एक्सपैंड इसीलिए कर रहे हैं, वहाँ पे लोग हायरिंग कर रहे हैं। अगर आप जॉब पोर्टल्स पे जाके जॉब चेक करते हैं तो वहाँ पे जॉब होती है तो वहाँ पे आती है, ये नहीं है कि जॉब नहीं है तो हमने अपने माइंड में बना लिया। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं मिली, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके साथ कोई अप्लाई कर रहा है उसको जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। वीडियो पे एक लोग आके कमेंट कर रहे हैं कि आपके लिए बातें करना आसान है, ठीक है, आपको जॉब मिल गई है, हम किस तरह जॉब ढूंढें। यार आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के देखेंगे मार्केट को, आके आपको पता चलेगा कि जॉब है या नहीं है। जब आप धक्के खाएंगे आपको पता चलेगा कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती, तब आपको समझ आएगा। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, आप अपने बेड पे बैठ के, अपने टेबल कुर्सी पे बैठ के आप ये कहते हैं कि जी वहाँ पे जॉब नहीं मिल, कमाना है वही बेहतर है, वो छोड़ के जाना है नुकसान होगा। अगर हम ये 50-60 हज़ार को भी लात मार के चले जाएंगे तो फिर अगर हमें जॉब ना मिली तो क्या होगा। एटलीस्ट आप उनका दिल बुरा ना करें जो यहाँ पे आके मेहनत करना चाहती हैं या जो ट्राई करना चाहते हैं। तो हमने जो अपने माइंड में पर्सपेक्टिव बनाया है वो काइंडली आपने उसको, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे जॉब मिलती है या नहीं मिलती, और मिलती भी है तो किस तरीके से मिलती है, क्या क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करके आपको जाके वो जॉब गेट करनी पड़ती है, जॉब आपको मिलती है। तो काइंडली प्लीज़ अपने माइंड में ये पर्सपेक्टिव ना बनाएं जब आपने एक चीज़ ट्राई ना की हो, जब आपने जाके अप्लाई ना किया हो। अगर एक दफ़ा आपकी जॉब ना हुई तो आपने ये सोचा कि जॉब है ही नहीं इस मार्केट में, जॉब मार्केट बहुत बुरी है, आप ये चीज़ दूसरों के माइंड में भी डालते हैं, ये कह के कि यार मुझे तो जॉब नहीं मिली तो तुम्हें पता नहीं कैसे मिल जाएगी, देख लो तुम भी अपनी लक आजमा के देख लो। तो अगला बंदा भी होता है डीमोटिवेट हो जाता है, अच्छा यार इसको भी नहीं मिली तो फिर मुझे भी कहाँ मिलेगी। तो ये चीज़ ना करें, आप एटलीस्ट ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं यहाँ पे, आप बस अप्लाई करने का तरीका ठीक करें अपना। आई होप मेरी वीडियो ने आपकी बहुत सी क्यूरीज को रिजॉल्व कर दिया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई बात है, तो काइंडली मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।